आज की बड़ी खबर, दिल्ली के रिंकू शर्मा हत्याकांड पर हिंदूवादी संगठनों की सियासत जारी है। रिंकू शर्मा के मर्डर के विरोध में आज बजरंग दल के कार्यकर्ता देश भर में 25,000 जगहों पर श्रद्धांजलि देने का प्रोग्राम बनाया गया है। बजरंग दल के कार्यकर्ता देश भर के अलग अलग जगहों पर एकत्र होकर श्रद्धांजलि देंगे रिंकू शर्मा को और साथ ही उनके लिए न्याय की मांग करेंगे। आपको बता दें कि बीती शाम दिल्ली के मंगोलपुरी में भी मशाल जुलूस निकाला गया था और इस जुलूस में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ साथ कुछ हिंदू संगठनों ने भी हिस्सा लिया था। मंगोलपुरी के अलावा जयपुर और चंडीगढ़ समेत कई जगहों पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन किया था। दिल्ली के मंगोलपुरी की हर गली में बस यही मांग गूंज रही है। रिंकू की मौत के बाद मंगोलपुरी इलाका धर्म के नाम पर सियासत करने वालों के लिए नया अखाड़ा बन गया है। वारदात के बाद से पूरे इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, लेकिन भीड़ है जो थमती नजर नहीं आ रही। दिन की क्या कहें, रात में भी मशाल के साथ प्रदर्शन और नारेबाजी जारी है। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में हुई रिंकू शर्मा की हत्या के विरोध में इस वक्त भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मशाल जुलूस लेकर निकले हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भारी तादाद में यहां पर लोग निकले हुए हैं मशाल जुलूस लेकर कि जो रिंकू के हत्या में हमको फांसी दिए जाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस हत्याकांड के 4 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। अब आप लोगों की क्या मांग है, क्या चाहते हैं? हम लोग फांसी की मांग करते हैं, क्योंकि यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है, यह सिर्फ शुरुआत है। अगर उसको फांसी की सजा नहीं दी गई तो यह आंदोलन जन आंदोलन में बदल जाएगा। रिंकू हत्याकांड को लेकर जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं, जिस तरह इस पर सियासत हो रही है, इसीलिए हत्या के सच को सामने लाने का जिम्मा अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। बावजूद इसके घटना पर राजनीति बढ़ती ही जा रही है। सबने बहुत शांत पूर्वक जुलूस निकाला है और दिल्ली पुलिस का हमें सहयोग मिला है, आगे भी सहयोग मिलता रहेगा। कल विश्व हिंदू परिषद के बैनर के तले हम रिंकू भाई के लिए श्रद्धांजलि सभा इस ब्लॉक पे रख रहे हैं। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हम सभी वहां पहुंचेंगे अपने मित्रों के साथ, परिवारों के साथ, केवल ये दर्शाने के लिए कि रिंकू आप अकेले नहीं थे, रिंकू का परिवार अकेला नहीं है, हर हिंदू समाज आपके साथ खड़ा है। रिंकू शर्मा की हत्या को लेकर इलाके में भारी तनाव है। सोशल मीडिया पर जोरदार बहस हो रही है। हत्या से नाराज लोग पहले ही आरोपियों के घर पर अपना गुस्सा उतार चुके हैं और अब वो सड़कों पर उतर आए हैं और रिंकू को इंसाफ दिलाने के नाम पर जुलूस निकाल रहे हैं। हत्या के बदले हत्या, यानी उनको फांसी होनी चाहिए, सिंपल सी लॉजिक है। इसके अलावा कोई भी दो राय नहीं है और ये होना ही चाहिए, क्योंकि ये दुर्घटना जो हुई है ये आसान बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। ये आप भी समझ सकते हो कि एक मर्डर हो जाए, घर में इतने लोगों को मारा जाए, लोग मिल करके सबकी हत्या करने के चक्कर में थे। ये एक की हत्या नहीं होनी थी, है ना? ये आप रंजित नहीं है, ये रंजित ये हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा ही एक तरह से बना हुआ है। इस हत्याकांड को दो धर्मों से जोड़ा जा रहा है, लेकिन इंडिया टीवी इसे किसी भी धर्म से जोड़े बिना सच की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि इंडिया टीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर जाकर एक एक एक्शन और रिएक्शन को समझने की कोशिश कर रही है। रिंकू मर्डर केस में इस वक्त 3 थ्योरी चल रही है। पहली, राम मंदिर के चंदा जुटाने और जय श्री राम के नारे लगाने से नाराज दूसरे समुदाय के लोगों ने रिंकू की हत्या की। दूसरी थ्योरी दिल्ली पुलिस की है। एक बर्थडे पार्टी के दौरान रिंकू और आरोपियों का झगड़ा हुआ था, जिसके बाद रिंकू की हत्या की गई। और तीसरी थ्योरी में कहा जा रहा है कि होटल का बिजनेस बंद होने पर विवाद हुआ, जिसके बाद झगड़ा हुआ। इन तीनों थ्योरी में सबसे ज्यादा उछाला जा रहा है दो धर्मों के बीच तनाव वाली थ्योरी को। यही दिल्ली पुलिस के लिए भी चुनौती है। पूरा मंगोलपुरी इलाका दिल्ली पुलिस और CRPF के हवाले कर दिया गया है। हर एक कॉर्नर नुक्कड़ पर फोर्स तैनात है। पोस्टर भी लगाया गया है कि श्रीराम बोलने पर रिंकू की हत्या क्यों की गई, इस तरीके का पोस्टर यहां पर लगाया गया है। और पुलिस फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस की यहां पर भारी संख्या में तैनाती की गई है और गली के हर छोर पर फोर्सेस को तैनात किया गया है, ताकि यहां पर माहौल ना बिगड़ सके, क्योंकि जो आरोपी हैं वो भी इस गली के या फिर इसके नजदीक की गलियों के आसपास के इलाकों के ही रहने वाले हैं। ऐसे में रिंकू शर्मा के घर से कुछ ही दूरी पर उनके घर है और दोबारा परिवार पर किसी तरीके का कोई हमला ना हो, परिवार को सुरक्षा दी जा सके, पूरे इलाके में सुरक्षा की जा सके, इसी के लिहाज से लगातार दिल्ली पुलिस के जवान यहां पर ट्रोलिंग कर रहे हैं।
दिल्ली पुलिस बार बार कह रही कि वारदात में कोई धार्मिक एंगल नहीं है, लेकिन अफवाहों का बाजार गर्म है। यहाँ राम के नाम पर जबरदस्त सियासत हो रही है। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर रिंकू की हत्या क्यों की गई। इस सब के बीच शनिवार की दोपहर सीएफएल की टीम मंगोलपुरी में रिंकू के घर पहुंची थी। वहां उसने पूरी घटना को रिक्रिएट किया और एक एक सबूत इकट्ठा किया। ढाई घंटे तक सीएफएसएल की टीम ने वारदात वाली जगह से सैंपल इकट्ठा किए, एक एक पॉइंट को सर्किल किया और हथियारों ने कैसे रिंकू को मौत के घाट उतारा उसकी पूरी रिपोर्ट फैक्ट के साथ तैयार की। लेकिन सियासत को कौन रोके, ये बददस्तूर जारी है। मुझे लगता है कि भाजपा के राज में हिंदू भी सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, क्योंकि दिल्ली के अंदर ऐसे हालात कभी नहीं थे कि दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, लाठी डंडे चाकू लेके लोग सड़कों पे घूम रहे हैं और दूसरे के घर में घुस के उसकी हत्या कर देते हैं उसके घर के सामने, कैसे हो सकता है, दिल्ली है। श्री राम मंदिर का चंदा मांगने के लिए कुछ लोगों ने मिलकर के उस पर हमला किया, पीठ पे छुरा घोंपा। मेरा कहना है कि इसमें जो लोग